तो कैसे हैं आप लोग? सो हे गाइस, दिस इज उज्ज्वल और मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 12th का फिजिक्स। और होता है यहाँ पे आपका पूरा फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि आप 100% गारंटी है कि कोई भी न्यूमेरिकल भले आपको नहीं आता हो, 50 से 55 मार्क्स इजीली आप स्कोर करोगे। और जो बहुत ही बहुत ही बहुत ही वीक होगा फिजिक्स में, वो इजीली पास हो सकता है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ करेंगे थ्योरी, डेरिवेशंस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे बस। और इलेक्ट्रिक चार्ज से लेके सेमीकंडक्टर तक का मैंने प्लेज लिया है और मैं इसको कंप्लीट भी करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। 27 अक्टूबर है आज से स्टार्ट करते हैं और 10 दिसंबर तक आते आते मैं पूरा चैप्टर करा दूंगा फिनिक्स। सो 3 डेज में एक चैप्टर आएगा, कंप्लीट इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी, डेरिवेशन होगा, टॉपिक्स विद प्रॉपर नोट्स। सो अच्छे से फॉलो करते जाओ और प्रॉपर इसकी अच्छे से एक नई कॉपी बना लेना। हो आज फर्स्ट चैप्टर का है, 14 चैप्टर प्लेस का डे 1 है, चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। नेक्स्ट चैप्टर आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की ऑन 30 अक्टूबर। कंप्लीट 14 चैप्टर फिनिश्ड अप टू सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज से लेके सेमीकंडक्टर तक फिनिश हो जाएगा 10 दिसंबर तक। आराम से इसमें पास हो सकते हो, 50 से 55 मार्क गारंटी है कि आप आओगे, क्योंकि यार इस कोरोना टाइम में क्या आप लोग पढ़े ना वो आप लोगों को पता होगा और मुझे भी अच्छे से पता है कि कोई क्लास अच्छे से नहीं चली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप उसकी टेंशन हो ले, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। सो डोंट वरी, यू आर गोइंग टू स्कोर 50+ मार्क्स। सो आर यू रेडी? सो तो ये रहा फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले कि हम इस चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले नोट डाउन कर लो, क्या क्या पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल 3 मार्क्स का पूछता है ये हर साल, मतलब ऐसे गैप दे दे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये डेरिवेशन दोनों है ठीक है, तो 3 मार्क्स का ये भी पूछ सकता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट वेरियस पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, ठीक है, सेल का थिन थिक बोथ कोई भी पूछ सकता है 3 मार्क्स में, ठीक है। तो आप और ये गॉस लॉ लास्ट टॉपिक है, गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 5 मार्क्स का आएगा और 100% इस साल पूछेगा, क्योंकि नेक्स्ट वन इज डेफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स एसआई यूनिट, डेफिनीशन पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और इसका एसआई यूनिट। तो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशंस पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जैसे कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल, जो डाइपोल इसमें होते हैं वो कैसे एक्सपीरियंस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लो, आपकी प्रॉब्लम पूरी यहीं सॉल्व हो जाती है, बस आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाना और अच्छे से बस रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना, कुछ भी कर लेना, बस क्वेश्चन को मत छोड़ना। नाउ वी विल डू ऑल दिस आंसर्स एंड 2020-21 अपकमिंग क्वेश्चंस, ठीक है, जो अगले साल मतलब 21 में बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो पूछ दिया ना पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन, 11, 13, 14, 16, 18 3-4 साल पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर रहा ये, आराम से आप आंसर यहां से लिख सकते हो और मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करना और आराम से अच्छे से इसको लिख लेना। 3 मार्क्स का है यार, रटना पड़ेगा, नहीं समझ पाए तो आप क्या कर सकते हो, 1-2 महीने हैं आपको, कैसे यार बहुत टफ नहीं है, 2-3 दिन का आपके पास टाइम है बस। फिजिक्स को रोज़ तुम 1 घंटा मेरे साथ दो, बस 1 घंटा रोज़ तुम मेरे साथ दो 3 दिन लगातार, बस ऐसे 10 दिसंबर तक चलते चलो, तुम्हारी फिजिक्स में पास होने की 50 से 55 मार्क्स लाने की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो यार रट लो सारे लाइनों को और 2-3 बार लिखो, याद हो जाएगा यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद हो जाता है, ठीक है, बहुत वो नहीं है। फिर उसके बाद से यार ऐसे अच्छे से कॉपी बना के अच्छे से नोट कर लेना एक्सियल लाइन का। देखो ना पहला टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट बताया और उसी से क्वेश्चन 3-4 साल बाद पूछ चुका है, ठीक है। तो आप कहीं से भी इधर उधर की बुक मत उठाना प्लीज़, 2-3 महीने बचे हैं, कोई बुक अगर उठाओगे तो पगला जाओगे, 10-15-20-50 क्वेश्चन करोगे, इधर उधर दिमाग हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक नहीं पढ़े क्या कर रहे थे, तो अब ये स्मार्ट वर्क है भाई, करना पड़ेगा तुम्हें पास और इतना मार्क्स लाना है तो करना पड़ेगा। सो अच्छे से नोट कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो सेकंड टॉपिक का सेकंड क्वेश्चन 12, 15, 16 में पूछा है, सीधी सी बात है। तो उसका आंसर है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर ऑफ इलेक्ट्रिक
डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस ए बी दैट इज टू एल विथ सेंटर एट ओ, ठीक है, एंड डाइपोल मोमेंट पी क्यू इज टू एल एज सोन इन द फिगर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, इक्वेटोरियल लाइन का अगर आएगा तो सबसे पहले ये तीन चार लाइनें अच्छे से लिखना पहले, ठीक है। आफ्टर दिस ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट ऑल दिस, ठीक है। फिर ये सारी लाइनें अच्छे से जब लिख देना, फिर उसके बाद से क्या करना कि इस डायग्राम को देख रहे हो जो ये डायग्राम, ये डायग्राम देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल बना के फिर कुछ एक्सप्लेन किया गया है दो लाइन में, ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2021 एग्जाम, देखो यार ये 21 में पूछ सकता है क्योंकि पिछले तीन साल से ये पूछा नहीं है, ठीक है। तो 21 में कहीं मतलब चांसेस हैं कि पूछ दे बोर्ड में, पिछले तीन साल से नहीं पूछा गया तो क्या पता कहीं पूछ दे। तो यार इस क्वेश्चन को रट लेना, एक्सियल लाइन का पढ़ना चाहे मत पढ़ना, 18 में पूछा गया था, ठीक है, इसको जरूर रट लेना, ठीक है। एक दो पेज का आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, दो तीन बार चार बार लिखो, चिपका लो यार दीवार पे, तीन चार इस चैप्टर से पता है 5 नंबर आते हैं, 5 नंबर सोच लो, तो अब तुम्हारे ऊपर है 5 नंबर, एक एक नंबर से आप पास हो सकते हो, तो ये 5 नंबर दे रहा है यहाँ पे, तो आप कहीं से ना कहीं से आप इसको आपको करना ही पड़ेगा, छोड़ तो सकते नहीं हो भाई, प्लीज़ मत छोड़ना इस सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार आपकी तरफ बढ़ते हैं, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल स्टेट इट्स एसआई यूनिट, 2 मार्क्स में पूछा जाता है ये और 3 मार्क्स का होता है डेरिवेशन, तो 5 नंबर इस चैप्टर से निकलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हो, डाइपोल मोमेंट मे बी डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिट स्ट्रेंथ। और इतना भी बड़ा अगर डिफिनेशन आपको अगर नहीं याद हो रहा है ना तो लिख देना, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, बस बात खत्म, ठीक है। आप ऐसा डिफिनेशन लिख देना, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, बस पी इजक्वल टू 2qa या q इज इक्वल 2a आप कैसे भी लिख सकते हो ये, ठीक है। एसआई यूनिट होता है यार इसका सेंटीमीटर, ठीक है। तो अच्छे से यार सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाओ, बस जितना क्वेश्चन दिया जाएगा आज उतना ही बस करना, ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाना, फंस जाओगे फेल भी हो सकते हो, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ क्योंकि पिछले साल के आप लोग पेपर देखे ही होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, फिगर शो 3.4 दिखाएगा प्लस 2q माइनस क्यू एंड 3q, टू चार्जेस प्लस 2q एंड माइनस क्यू आर क्लोज विद इन द सर्फेस एस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फिगरेशन थ्रू द सर्फेस दिल्ली 2010 में पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, 2q और माइनस क्यू अंदर बंद है प्लस 3q बाहर है, ठीक है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसका कितना होगा, देखो यार ये क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा पूछेगा लेकिन इसका आंसर होगा बस 2 लाइन का, गॉस लॉ का बस फॉर्मूला रट लो, φe.ds q1/ε और बस हो गया, q1 द टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस, q1 टोटल चार्ज है, अंदर कितना चार्ज है फ्लक्स 2q - q, मतलब 2q - q यही ना अंदर चार्ज है, बाकी नीचे क्या है εr लगाना है क्योंकि गॉस लॉ का फॉर्मूला है, इक्वल टू q/εr, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स q/εr, दैट्स इट, आंसर होता है यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ओके। सो व्हाई शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी 0 इनसाइड अ कंडक्टर, इन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्यों 0 होता है, तो आंसर है यार इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर शुड बी 0 बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ चार्जेस एज ए स्टैटिक कंडीशन, चार्ज रिमेंस ओनली ऑन द सरफेस, क्योंकि यार रिपल्सन के कारण ना जो चार्जेस होते हैं अंदर किसी भी कंडक्टर के, उस कंडक्टर के ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं, ऊपर मतलब बाहर नहीं निकल जाते, उसके सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे आराम से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ क्यूब, क्यूब में कितने फेस होते हैं यार 6, ठीक है। तो गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, q/εr, ठीक है, तो 1/6 क्यूब का फेस का होता है, ठीक है, εr φe इक्वल टू 1/6 q/εr इक्वल टू q/6εr, बस ये जो लास्ट देख रहे हो ना q/6εr इतना भी लिख दोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएगा, टेंशन ना लो। देख रहे हो यार क्वेश्चन बड़ा बड़ा होगा लेकिन आंसर बस 2-3 लाइन का होगा, तो घबराना मत इस चीज़ को लेके। व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्योंकि यार वो पॉजिटिव से शुरू होता है नेगेटिव खत्म होता है, इसलिए कोई क्लोज लूप नहीं बनाता, ठीक है। तो इसका आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, ठीक है, पॉजिटिव से हमेशा शुरू होता है और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, ओके।
तो यार फिजिक्स का यही फंडा है, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा बड़ा देगा लेकिन आंसर इतने छोटे होंगे ना कि आप जब देखोगे तो आपको यार यार ये तो मुझे आता था, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी इन टर्निंग इट फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू ए पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल से अनस्टेबल कब होगा तो कितना फोर्स मतलब लगेगा, तो यही आंसर है इसका। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा, सो फिर ये ओमेगा, वर्क डन इज इक्वल टू थीटा टू थीटा वन पी साइन थीटा डी क्यू। तो यार ऐसे अब मैं एक्सप्लेन करूँगा ना तो आपको समझ में आएगा नहीं, आपको सीधी सी बात है भाई रटना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी तक नहीं पढ़े ना तो अभी क्या मैं समझाऊंगा तो आपको आएगा नहीं। तो सीधी बात है यार, बस दो तीन लाइन का तो आंसर है, क्वेश्चन याद कर लो और इस आंसर को रट लो, दो बार तीन बार लिखो, दीवार पे चिपका दो लिख के, याद हो जाएगा, वैसे रोज देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे यार, क्वेश्चन नंबर 11 8, दैट इज व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो क्यों नहीं क्रॉस करते हैं, तो द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन की जो फोर्सेस होती हैं वो डायरेक्शन बताती हैं। टू लाइन इंटरसेक्ट अगर करेंगी तो मल्टी डायरेक्शनल हो जाएंगी, इसलिए नहीं क्रॉस करती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया ना, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था वहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो जीरो बिकॉज द नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू इज जीरो। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर 10, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट अ पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर। ऐसे आपके सामने कुछ डायग्राम मतलब ऐसे बताएंगे लोग लिख के, मतलब आएगा, ठीक है। तो आपको बस बताना है कि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ठीक है। ऐसे डाल देंगे कि ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट अ पॉइंट ओ, ठीक है, ओ के पास एक पॉजिटिव चार्ज डाला गया तो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ऐसे इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए टू बी वी, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, सीधे रट लो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधे लिखना पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होता है, बस बात खत्म। द पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव, नेगेटिव मत करना, जब वी बी टू बी ए हो वी ए का पूछेगा तब नेगेटिव करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इंक्लोज बाई स्पेरिकल गॉसियन सर्फेस गेट अफेक्टेड वेन इट्स रेडियस इंक्रीज, जब उसका रेडियस बढ़ता है तो कैसा इफेक्ट होता है, तो उसका आंसर है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज बाई स्पेस गॉसियन सर्फेस रिमेन अनअफेक्टेड, क्योंकि यार गॉसियन सर्फेस जब बंद ही रहता है, क्लोज रहता है, तो उसका सर्फेस कितना भी बड़ा, मान लो सर्फेस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो लिख देना अनअफेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 इज टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, आर लोकेटेड एट अ पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो एंड फोर ए रिस्पेक्टिवली। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नोट कर लेना, फिर देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, आप ही देख लो क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर कितना है, पिद्दी सा दो लाइन का है, फ्लक्स लिख दो, चार्ज इनक्लोज कितना, चार्ज अंदर बंद है भाई टू माइनस टू क्यू, एप्सिलॉन नॉट लगा दो, बात खत्म, आंसर खत्म, बस यही फिजिक्स है, कन्फ्यूज करता है 10 वर्ड्स लगा के और आंसर देता है एक दो लाइन का, तो रट लेना, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज सो ऑन ए प्लॉट द नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई पोटेंशियल डिफरेंस बी ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द डिस्टेंस आर ऑफ द फील्ड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द डाइपोल कंपार्टमेंट में पूछा गया, और आउटसाइड दिल्ली में भी 2016 में पूछा गया, ठीक है। तो ऐसे बस ये आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन भी कि तो गॉस लॉ से पूछेगा, नहीं तो वो जो मैं आपको डेरिवेशन तो शुरू में कराया था एक्सियल का इक्विटोरियल का वो पूछ लेगा, नहीं तो ये ग्राफ पूछेगा, बस और कुछ नहीं पूछता है इस चैप्टर से। और ये सारे क्वेश्चन यार मैं आपको तो पता है 9 से लेकर 20 तक और पूरा इंपॉर्टेंट सब कुछ देख के ही मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि आपको इधर उधर कुछ भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द चार्ज गिवन टू अ मेटेलिक इस पर डिपेंड ऑन वेदर इट हॉलो और सॉलिड, क्या डिपेंड करता है कि कौन सा सरफेस है, तो नो इट डज नॉट बिकॉज द चार्जेस रिसाइड ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं ना, अभी आपको बताया ना कि जो चार्जेस होते हैं वो रिपल्सन के कारण सर्फेस पे आ जाते हैं, तो मटेरियल चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो चाहे स्पेयर का हो चाहे सिलेंड्रिकल हो कैसा भी हो, बस अगर वो मेटल है तो उसकी साइज पे या किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा लिख देना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार आपके,
क्वेश्चन नंबर 15 है, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस इन अ विसिनिटी ऑफ ए कंडक्टिंग सरफेस, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द सरफेस एंड द चार्जेस। वीडियो को पॉज करो, अच्छे से क्वेश्चन लिख नोट करते जाओ प्रॉपर, और ऐसे देखो ये डायग्राम पूछ देगा इसके, और डायग्राम देखो क्वेश्चन कैसा है, जैसे लग रहा है कितना रॉकेट साइंस है, कितना कन्फ्यूजिंग है, लेकिन पूछ क्या रहा है, बस एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, एक ऐसे सॉलिड स्फीयर बनाना है और उसको अंदर ऐसे बाहर से ऐसे अम्ब्रेला की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देनी है, बस ये होता है। क्वेश्चन नंबर 14 खत्म। 15 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखो यार दो बार पूछ चुका कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसका SI यूनिट क्या होता है, फिर ये भी पूछ दिया कि चार्ज जो होता है वो अगर बंद होगा अंदर तो क्या वो किस पे अफेक्ट करेगा, तो यही सब क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना, वीडियो जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ इसलिए ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट है न्यूटन मीटर कूलम्ब, लिख लेना वहाँ से, ठीक है वीडियो चलेगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लूड हैंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यार वीडियो बहुत तेज हो रही है, दैट इज़ फाइव इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये गॉस बाबा का फॉर्मूला है, इसको रट लेना कैसे भी लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार 16, क्वेश्चन नंबर 16, ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर वन इंक्लोज एट नेट चार्ज क्यू इफ द अनदर, यार देखो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगर एक्सप्लेन करने बैठ गया ना तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ से नोट कर लो और उसका रहा ये आंसर। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, आप खुद देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देखो फ्लिकर हो रहा है यहाँ पे, फ्लक्स थ्रू S1 इतना, फ्लक्स थ्रू S2 इतना, फिर रेशियो ऑफ फ्लक्स 1/3। देखो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के 2019 एग्जाम में पूछा गया था और CBSE में पिछले 3 साल से नहीं पूछ रहा है, और बार बार गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक एक्सियल और इक्वेटोरियल का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बस बचा है CBSE के डाटाबेस में, ये क्वेश्चन इस बार सीधे सीधे उठा कर पूछ सकता है। सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 45 मैंने लिख दिया गलती से, ठीक है। तो स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उनका प्लेन सरफेस पे जो डेरिवेशन होता है तो वो बताना है। तो गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज एरिया इज 1 ε₀ टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। और उसके बाद से ये यार डेरिवेशन थोड़ा लंबा है तो आपको करना पड़ेगा, भाग नहीं सकते हो ना छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप पहले तो फॉर्मूला याद करना, φe = φe·dsq/ε₀, इतना भी लिख दोगे तो एक नंबर आराम से न्यूमेरिकल से आप पा जाओगे, ठीक है। फिर ये अच्छे अच्छे सुंदर लाइन में जो लिखा था वो लिख देना, फिर ये कितना लाइन है यार, 4-5-6 लाइन है, इतने में डर जा रहे हो कैसे काम चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा, भाग नहीं सकते, भागोगे तो फेल होगे, सीधी बात है, पेपर बहुत टफ आएगा। और इतना बस आप अगर करके जाते हो ना, तो मैं अभी 50-55 की बात कर रहा हूँ, आप इजीली, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं आप 55 से भी प्लस मार सकते हो, क्योंकि जब आप इतना कर लोगे ना तो आपको न्यूमेरिकल का भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, तो आप कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल भी आराम से बना सकते हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, शेयर करना, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर से अपडेट रहोगे। यूजिंग गॉस लॉ डिस्क्राइब एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट आउटसाइड स्फेरिकल सेल का भी पूछ सकता है, गॉस लॉ का थ्योरम एप्लीकेशन लगा के, ठीक है। तो ये दो पार्ट में पूछेगा, बी का सेकंड और फर्स्ट, तो इसका आंसर ये रहा, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड स्फेरिकल चार्ज सेल वी इमेजिन अ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस इन सच ए वे। यार देखो आप, मैं जितनी क्वेश्चन करा रहा हूँ वीडियो थोड़ी आज मतलब इधर उधर हो सकती है, मैं मतलब अगर एक्सप्लेन करूँगा तो फिजिक्स से आप खुद सोच सकते हो, फिजिक्स से मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा, करूँगा तो अभी 1 घंटा लग जाएगा, और 1 घंटा मैं आपको दूँ तो ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो यार आप अच्छे से प्रॉपर वीडियो को पॉज करो, आंसर अच्छे से लिखते जाओ, ऐसे देखो गॉसियन थ्योरम कैसे स्फेरिकल सेल पर डिफाइन किया है, फिर इसका ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे एग्जांपल डायग्राम बनाया, फिर उसका बी पार्ट का जो आंसर है, गिवन R = 2.5 meter, ये और उसके बाद से ऐसे नोट कर लेना यार, वीडियो जल्दी जल्दी जा रही है तो मैं खत्म हो जाएगा फिर, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस गॉस लॉ का फॉर्मूला याद कर लेना, φe·dsq/ε₀, दैट्स इट, कुछ नहीं चाहिए इसके बाद से, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर गेट फिनिश्ड एंड 1,000, 1 lakh, 1 crore गारंटी दिस क्वेश्चन विल डायरेक्टली कट एंड पेस्ट इन योर बोर्ड एग्जाम फिजिक्स पेपर। तो यार यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठेगा और फिजिक्स के बोर्ड के पेपर में आपके आएगा, आप बोर्ड का पेपर देख के आओगे, फिर देखना कि क्या इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यार, सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट चैप्टर अपडेट, 30 अक्टूबर को नई वीडियो आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, होगी। तब तक यार चलते हैं यार, सी यू, हैव अ गुड डे।